नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सप्तमो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज ये वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं वो हर एक स्टूडेंट के लिए जो कि अभी इंडिया के बाहर मौजूद है, ये उनकी एक चिंता का विषय बना हुआ है आजकल कि उनको क्या करना चाहिए, वहाँ पे रहना चाहिए, इंडिया में रह और रिटर्न आना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ये टॉपिक जो है वो देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कतई डरने की ज़रूरत नहीं। पूरा वीडियो आप ध्यान से एंड तक देखेंगे। आपको अगर पसंद आता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हम ये जो आज चर्चा करेंगे, बेसिकली जो ये अभी कंडीशन बनी हुई है, जो माहौल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। सी, हम लोग इंडिया में हैं, फैमिली के साथ हैं, आप अकेले हो, तो आपको क्या सेफ्टी रखने की ज़रूरत है, और ये जो कोरोना वायरस का जो अभी कहर टूटा हुआ है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कंडीशन है पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर एक जैसी ही है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग एक चर्चा करेंगे। इसका अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन नहीं ढूंढा गया है, काफ़ी लोग मर रहे हैं, काफ़ी लोगों की जान गई आज तक। जो फिगर है वो कोरोना वायरस की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो फर्स्ट जो काउंटिंग 1 लाख का हुआ था वो 68 डेज के अंदर हुआ था, उसके बाद 4 या 10 दिन के अंदर सीधा लाख का काउंटिंग बढ़ रहा है। आज की डेट में अगर देखेंगे तो कोरोना वायरस से जो इफेक्टेड केसेज वो करीबन 6 लाख के आसपास केस है, और जो डेथ हो चुकी है वो करीबन 27,000 के आसपास है। सबसे पहली जो ज़रूरत होती है आप लोगों के लिए, आप कोई अननोन कंट्री के अंदर बैठे हो, वहाँ पे कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, या ऐसा कोई कोरोना वायरस आ जाता है, या कोई युद्ध का कंडीशन आके खड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे पहला प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या होना चाहिए वो आपको जानना ज़रूरी है। तो ये वीडियो के अंदर सबसे पहले तो आपको हर एक कंट्री का प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल पीछे बैकग्राउंड में देखने को मिलेगा, साथ में अपनी एक चर्चा भी चालू रहेगी। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रही है वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। पीछे कंट्री का नाम हम लोग बोलते जाएंगे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। पहले ये जो अभी दिखा रहे हैं यूक्रेन का एम्बेसी का डिटेल है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कॉल भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, ट्विटर पे ट्वीट भी कर सकते हो। उसके बाद ये जो डिटेल रशिया की है, रशिया के अंदर 3 जगह पे टोटल है, लेकिन हमने अभी जो मेन 2 सिटीज़ है उसका आपको यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, वो दोनों सिटी के अंदर आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या ट्वीट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो कजाकिस्तान की बात है, वहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो जॉर्जिया आर्मेनिया की दोनों की एक कॉमन एम्बेसी लगती है, वहाँ पे आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद किर्गिस्तान के अंदर बात करें तो वहाँ पे उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है और उसका मेल है। उसके बाद अगर बात करेंगे फिलीपींस के अंदर भी बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है होंगे और ये मेल आईडी है। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के अंदर भी उसकी हॉटलाइन दी गई है और उसका कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर भी दिया गया है। चाइना में से ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट आ चुके हैं रिटर्न, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है किसी इमरजेंसी में तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वैसे ही अजरबैजान के अंदर भी कुछ स्टूडेंट इस साल से अपने जाने शुरू हो चुके हैं, तो उसका मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल और ट्विटर का ट्वीट है। आप उसके बाद अगर बात करेंगे नेपाल के अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट रहेंगे, नेपाल में उतनी परिस्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन अगर आपको वहाँ पर परेशानी होती तो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद बात करेंगे अगर हम लोग, तो इजिप्ट के अंदर भी इस साल कुछ स्टूडेंट अपने गए हुए हैं, तो उसके लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है और ये मेल आईडी है। ये आपको कॉन्टैक्ट से कोई परेशानी होती है, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो उसके बाद अपनी गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री का जो है इंडिया के अंदर, वो कॉन्टैक्ट डिटेल भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करके दे रहे हैं विद पर्सनल पर्सन नंबर। तो वहाँ पे भी आप टोल फ्री नंबर भी दिया गया है और दूसरे नंबर भी है, मेल आईडी भी है, पर्टिकुलर कोविड के लिए भी मेल आईडी क्रिएट किया है, वहाँ पर आप भी कॉल कर सकते हो। उसके अलावा एक अपनी वेबसाइट है मदद करके गवर्नमेंट की, वो भी लिंक हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर जाके भी आप कंप्लेन कर सकते हो, मदद के ऊपर आपको तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल जिस कंडीशन में आप बैठे हुए वहाँ पे ये इवोकेशन अभी होने वाला नहीं है, लेकिन कोई कंट्री का पर्टिकुलर इवोकेशन स्टूडेंट का किया जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, सबसे पहली बात आती है आप जो भी कंट्री की इंफॉर्मेशन है उससे अपडेट खुद को रखिए, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन लीजिए और प्रॉपर जानकारी लीजिए, बी प्रिपेयर बी अवेयर। मेन चीज़ है जब भी अगर इवोकेशन करने की तैयारी होती है तो आपका उतना ही लगेज पैक करें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ज़्यादा लगेज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे 14 दिन के लिए शायद क्वारंटाइन में रखा जाएगा, तो उस टाइम पर आपका लगेज मिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एज ए डॉक्टर और एज ए फ्यूचर डॉक्टर सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है आप खुद को जानें, खुद को पहचानें। अगर आपको खुद को कोई भी कोरोना का सिम्टम्स नज़र आ रहा है
तो आपकी खुद की लाइफ को नहीं लेकिन दूसरे की लाइफ का भी आपको सोचना जरूरी है, उसको जोखिम में मत डाले, क्योंकि आप फ्लाइट के अंदर ट्रैवल करेंगे या लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे वहाँ पे स्प्रेड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे आप खुद से सामने वाले जो भी व्यक्ति है उसको पहले इन्फॉर्म कीजिए, वहाँ की जो मेडिकल टीम है जो भी कंट्री है वहाँ पे उनको सबसे पहले इन्फॉर्म कीजिए आपके सिम्टम्स के बारे में। इन्फॉर्म करने के बाद अगर आपका कोई भी रिपोर्ट किया जाता है और रिपोर्ट नॉर्मल भी आता है तो वो रिपोर्ट आपके साथ कैरी करके रखिए, वो फ्यूचर कम्युनिकेशन में आपको काम लगेगा, यहाँ पे इंडिया आने के बाद भी शायद उसकी ज़रूरत हो सकती है, तो रिपोर्ट को वहाँ पे मिसप्लेस मत कीजिएगा और जो भी है रिपोर्ट साथ में लेके कैरी करके चलिए। उसके अलावा जो भी आपकी दूसरी कोई भी बीमारी हो उसके अकॉर्डिंग जो दवाई आपकी चल रही हो कंडीशन में दवाई साथ में लेके चलिए। अगर इवैक्यूएशन शुरू होता है तो आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहेगी सर्जिकल मास्क, वहाँ पे मल्टीपल ले लीजिए, एक मास्क लेके मत चलिए, 5 से 7 मास्क ले लीजिए यूज एंड थ्रो वाले, यूज़ करने के बाद 8 घंटे यूज़ करने के बाद उसको फेंक दीजिए। वैसे ही गॉगल्स लेके चलने हैं, गॉगल्स भी आपको वहाँ से जब बैठते हैं वहाँ से लेके इंडिया पहुँच रहे वहाँ तक वेयर के रखने हैं आपको। और दूसरी बात आती है सर्जिकल हैंड ग्लोव्स, जो भी आप यूज़ करने के बाद फेंक सकते हो वो भी 5 से 6 पैर लेके चलिए, और जो अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर रहता है वो सैनिटाइजर भी आपको लेके रखना है साथ में, जो कि जितनी भी बार आप हैंड ग्लोव्स निकाल के यूज़ कर रहे हो उतनी बार वो सैनिटाइजर आपको यूज़ करके हाथ साफ कर। सबसे अहम बात जो आती है आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड हो क्लोज रिलेटिव हो किसी से प्यार जताने की ज़रूरत नहीं है, गले मिलने की ज़रूरत नहीं है, हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे एक डिस्टेंस बना के रखिए जो आपकी हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी, इवन उनके लिए भी अच्छी चीज़ रहेगी। पूरे फ्लाइट के अंदर कहीं पर भी मास्क या गॉगल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है और हैंड ग्लोव्स भी पहन के रखने हैं आपको, जितना होता है उतना बॉडी को कवर कीजिए। जहाँ तक फ्लाइट में है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे से डिस्टेंस बनाइए, खुद को सेफ रखिए। जैसे ही आप इंडिया लैंड होते हो आपको सैनिटाइज किया जाएगा, इवन आपके जो सामान है उसको भी सैनिटाइज किया जाएगा, आपको प्रॉपरली चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल रेडी किया गया है पर्टिकुलर फॉर द कोरोना इन्फेक्टेड और नॉन कोरोना इन्फेक्टेड क्वारंटाइन के लिए जो वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा और वहाँ पे 14 दिन तक आपको रखा जाएगा। वहाँ पे अगर 6-7 दिन के अंदर आपका सिम्टम्स कोई भी पॉजिटिव नज़र आता है तो आगे आपकी जो भी रिक्वायर्ड फर्दर ट्रीटमेंट रहेगी वो ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी, और ये कंप्लीट ट्रीटमेंट होने के बाद आपको आपके घर पे डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन घर पे जाने के बाद आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपने फैमिली मेम्बर से कुछ दिनों तक एटलीस्ट डिस्टेंस बना के रखें, और कोरोना से सेफ्टी रखने के लिए डिस्टेंस ये एक ही मात्र जरिया है। दोस्तों ये बात हमने कर ली इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन अगर आप वहाँ से रिटर्न नहीं आ रहे हो और वहाँ पे रह रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। सी हर एक कंट्री को लॉकडाउन किया गया है, तो ये लॉकडाउन की कंडीशन में जितना होता है उतना वहाँ पर घर से बाहर मत निकलिए। अगर निकल भी रहे हो आप तो बाहर जैसे शॉपिंग करने जा रहे हो तो हैंड ग्लोव्स कंपल्सरी पहन के रखिए, गॉगल्स हमेशा पहन के रखिए, मास्क भी लगा के रखिए, डायरेक्टली हाथ आपके फेस को टच ना हो उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। इवन वायरस कपड़ों पे ज़्यादा टिका रहता है तो घर पे जैसे ही पहुँच रहे हो आप सीधे वॉशरूम में जाके बाथरूम में जाके आपके कपड़े निकाल के धोने के लिए डाल दीजिए डिटर्जेंट वाले पानी के अंदर, उसके बाद नहा के कम्प्लीटली बाहर निकलिए और हाथ सैनिटाइजर से साफ कर लीजिए। उसके बाद आपको जो भी एक्टिविटी करनी कीजिए, इवन आपके रूम के अंदर क्लीनिंग आपने नहीं किया है तो ये सबसे अच्छा टाइम है आपके लिए, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी नहीं है अभी, तो रूम के अंदर आप डेटॉल है अल्कोहल है स्पिरिट है इसको मिक्स करके पानी के अंदर पूरे रूम को एक बार साफ कर लीजा कीजिए, तो वन काइंड ऑफ सैनिटाइज प्रोसेस भी हो जाएगा आपके वहाँ पे रूम के अंदर। आपका जो भी दूसरा सामान है जो हर रोज़ का यूज़ कर रहे हो उसको भी सैनिटाइज करना ज़रूरी रहेगा आपके लिए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आप वहाँ पे रहते हो तो। दूसरा विटामिन सी वाला जो भी फ्रूट्स है वो ज़्यादा कंज्यूम करने का रखिए, जैसे नींबू पानी है या ऑरेंज है संतरा है, ऐसा कोई भी पानी का कंजम्पशन भी ज़्यादा होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान में रखनी है। खाने की अगर बात करूँ शायद सब्जियाँ ना मिले ये कंडीशन आ सकती है, ये चीज़ शायद इंडिया में भी हो सकती है, ये वहाँ की बात नहीं है। जिस तरीके से ये वायरस फैल रहा है अगले दिनों के अंदर हम लोग कुछ भी बोल नहीं सकते ये क्या कंडीशन आगे जाके बना गया क्या पैदा करेगा, तो उसके लिए ट्राई कीजिएगा जैसे राइस है या आटा है ये चीज़ें अभी इजीली अवेलेबल होगी आपके लिए, वो चीज़ का स्टॉक ज़्यादा रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर दाल है राइस है और आटा है ये चीज़ भी आपके पास रहेगी तो आपको खाने की कमी महसूस नहीं होगी, आप एक टाइम के लिए दाल रोटी या दाल चावल खा के भी रह सकते हो। सब्जी इट्स नॉट अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अस राइट नाउ ऐसी कंडीशन के अंदर, तो
इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ पे आपको कोई आने वाला नहीं है, आपके साथ कोई मदर फादर कोई भी नहीं है, आपका कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, आपका जो ग्रुप है वहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप है वही एक फैमिली है, लेकिन फैमिली के अंदर भी डिस्टेंस ज़रूरी है ये कोरोना के अंदर। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी हमने बनाया हुआ है, वो लिंक भी हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, जिसको आप सब स्टूडेंट एक साथ ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आपको हर एक चीज़ की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।